उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मुजफ्फरनगर में कुल 9 ब्लॉक में आज 8 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए। सिर्फ बुढ़ाना ब्लॉक से ही संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी जीत का खाता खोल पाया। जिला सभागार में डीएम सेल्वा कुमारी जे ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित 8 ब्लॉक प्रमुखों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर खतौली विधायक विक्रम सैनी ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हम प्यार से वोट मांगते हैं, हम गोला लाठी देकर या बक्कल उधेड़ कर वोट नहीं मांगते, हम हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, तभी हमें ज्यादा वोट मिलते हैं। ऐसा ही जिला पंचायत चुनाव में हुआ। गठबंधन किसान यूनियन लोकदल बसपा सब एक हुए, हुआ क्या उनकी बक्कल उधड़ गई, केवल 4 वोट मिली। ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट लड़ाए और कार्यकर्ताओं ने काम किया। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय विजय शुक्ला जी का इसमें ये रात दिन फोन करने में, पूछने पूछताछ करने में और काफ़ी मेहनत की। अच्छा, विपक्ष ने भी लगातार आरोप लगाए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं कोई पुलिस का दुरुपयोग नहीं हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। बीडीसी मेंबरों ने मर्जी से वोट दी, क्योंकि हम प्यार से वोट लेते हैं, हम गोड़ा लाठी देते या बक्कल उधेड़ कर वोट नहीं मांगते, हम प्यार से हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 9 ब्लॉकों में यहाँ चुनाव हुआ। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय किए गए और आज 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख जीत कर आए हैं। कई जगह पे आरोप भी लगे हैं कि विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अगर सत्ता का दुरुपयोग करते फिर 9 क्यों नहीं जीते, 1 क्यों हारे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास लेकर काम करती है।